लोकसभा की बुधवार की कार्यवाही में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राजद्रोह के अपराध में निबटने वाले प्रावधान को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। देशद्रोह, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिहार नेपाल सीमा पर चेकिंग के लिए एसएसबी की महिला जवानों को तैनात किया जा चुका है। सीमा पार आने जाने वाली महिलाओं की तलाशी और जांच के लिए इनकी खास तौर से तैनाती की गई है। बता दें, नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा को हराकर संसद पहुंचे हैं। मोदी सरकार में इन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है।